हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग फिर से एक नए जगह पे रेस्क्यू करने के लिए आ गए हैं दोस्तों। और बता दें, इस टाइम हम लोग दोस्तों वाराणसी ज़िले के डंगनिया गांव में हैं। और यहां से फ़ोन आया था दोस्तों कि एक सांप घर वालों ने देखा है, और देख सकते हैं निर्माणाधीन मकान है, और बता रहे हैं घर वाले कि सांप यहीं पर है। तो चलते हैं लेकर दोस्तों, आपको दिखाते हैं कैमरे से कि सांप कौन सा है, बताते हैं खतरनाक है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये एक इंडियन स्पिटिकल कोबरा है दोस्तों, जो कि काफ़ी जहरीला और काफ़ी ख़तरनाक होता है। और बता दें दोस्तों कि यह सांप पूरे भारत में पाया जाता है, और एक बहुत ही जहरीला होता है, क्योंकि इसके अंदर जो जहर पाया जाता है दोस्तों, न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, ये भारत के अलावा दोस्तों पूरे एशिया में पाया जाता है। और इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको दोस्तों गांव में अक्सर लोग गेहूँ और नाग कहते हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ के लोगों के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा कि सावन का महीना चल रहा है, और ऐसे में दो दिन हुआ है, अभी नाग पंचमी बीता है, सांप देखें। ज़्यादातर अक्सर देखते हैं दोस्तों, सांप को लोग मार देते हैं देखते ही, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं कि सांप को न मार के कॉल की हम लोगों को, और हम लोगों को बुलाएं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए पहुँच गए हैं, और ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ा क्योंकि सांप अंदर जा रहा था, घर वालों ने नज़र बना कर रखा था। और रतन जी जैसे ही पहुँचे, उस सांप को तुरंत पकड़ लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग कि ये जो सांप जो कुछ भी खाया है, अगर वो बाहर निकाल देता है तो ठीक है, क्योंकि जब इसको डब्बे में दोस्तों बंद करेंगे और उसके बाद ये उगलेगा, तो काफ़ी उसके अंदर से महक आएगा। और देख सकते हैं दोस्तों, खाने के बाद भी ये किस तरीके से अपना फुर्ती और तंदुरुस्ती दिखा रहा है। दोस्तों अगर हमारे आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, हमारा सपोर्ट करें, और चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को देखकर लाइक करें, और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि वीडियो कैसा था, कि ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो बना सकें और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचा सकें। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से अपना फुर्ती दिखा रहा है। अक्सर दोस्तों मैं बता दूं, ये सब जो सांप होते हैं अपने भोजन की तलाश में घरों में घुसते हैं, और जो इस टाइम समय चल रहा है दोस्तों, विशेष बारिश का समय चल रहा है, और ये जो गर्मियों का उमस होता है, उस उमस की वजह से एक अक्सर ये बिलों से बाहर आते हैं और अपने भोजन की तलाश में खेतों में जाते हैं, और क्या नाम है, घरों में घुसते हैं, क्योंकि इसका जो प्रमुख भोजन होता है मेढक और चूहा होता है दोस्तों। तो ये जाते हैं और ऐसे जगह पे रहते हैं, और घर वाले इन सब चीज़ों से अनजान होते हैं, और जब घरों में जब परिवार का कोई सदस्य जाता है तो ऐसे में सांप बाइट कर लेता है और काट लेता है। और जब सांप जो आप देख रहे हैं स्पिटिकल कोबरा, अगर ऐसे सांप काट ले आपको और समय पर इलाज ना हो तो इंसान की मौत हो जाती है। और अभी मैं बता दूं दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में सबसे ज़्यादा केस सांप बाइट का आ रहा है, और बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग सावधान सुरक्षित रहें, और जब भी आप ऐसे जगहों पर जाएँ जहाँ घर में बहुत सारा कबाड़ रखा हो या बहुत ऐसा सामान इकट्ठा हो, तो आप सावधानी से जाएं और ध्यान देकर जाएं। रात के समय में अगर अंधेरे में आप निकलते हैं तो लाइट को लेकर जाएं, अच्छे से देखें, क्योंकि इस टाइम जो समय चल रहा है सांपों का, बहुत ज़्यादा निकलने का समय चल रहा है। इस टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग रेस्क्यू करने के लिए सांपों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं।
और ये जानकारी हम लोग ऐसा इसलिए दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये जानकारी बहुत कम लोग बताते हैं और ये काफ़ी बताना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि छोटी सी भी लापरवाही और जानकारी न होने के वजह से इंसान की जान चली जाएगी, जो कि ये सही नहीं है। तो दोस्तों बता दें कि ये सांप हमको नहीं लग रहा है कि ये जो कुछ भी खाया है वो बाहर निकालेगा, हालांकि प्रयास रतन जी काफ़ी कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं रतन जी काफ़ी प्रयास कर चुके हैं लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये अपने मुंह से कुछ उगलेगा। और ये देख सकते हैं दोस्तों ये कई बार काटने की भी कोशिश कर रहा है। और जो भी सर्पमित्र दोस्तों सांप को पकड़ते हैं वो हमेशा अपने सेफ्टी पे विशेष ध्यान देते हैं। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मंत्र मार दिया जाता है इसलिए सांप एक्टिव नहीं होते, काटते नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, अगर इस सांप हम लोग भी लापरवाही करें तो सांप हम लोगों को भी काट लेगी, हम लोगों को भी बाइट कर सकता है और हम लोगों की भी जान जा सकती है। अगर समय पर हम लोग अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं तो हम लोगों की भी जान जा सकती है। तो आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि रतन जी इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो हम आपको पहले ही बताया दोस्तों कि इसके पेट में जो भी लग रहा है, जो भी कुछ खाया है बाहर निकाले तो देखा जाए क्या खाया है। बड़ा ऐसा नहीं लग रहा है तो इसको देर न करते हुए रतन जी डब्बे में बंद करेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से अपना गुस्सा दिखा रहा है। ये अक्सर खतरा महसूस होने पर दोस्तों इस तरीके से अपना फन काट कर खड़ा हो जाते हैं और काटने का कोशिश करते हैं। और जब भी इनको खतरा महसूस होता है तो दोस्तों ये बाइट करते हैं। ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एक स्पिटिकल कोबरा बाइट कर ले तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो इलाज है दोस्तों वो सिर्फ एंटी वेनम द्वारा ही किया जाता है और अस्पताल में ही किया जाता है, इसलिए आप कभी भी किसी झाड़फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। देख सकते हैं दोस्तों इसका जो काटने का तरीका है और जिस तरीके से फन काट कर अपना मुंह खोल रहा है काटने के लिए, कितना खौफनाक और ख़तरनाक है। इसके अंदर दोस्तों इतनी क्षमता होती है कि अगर यह एक स्पिटिकल कोबरा, उनको लगता है कि अगर बारी बारी अगर 20 लोगों की भी काटे तो 20 लोगों की भी मौत हो सकती है। इसके अंदर इतना जहर होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, जैसा हम आप लोगों को कह रहे थे, देख सकते हैं कि ये कुछ खाया है और बाहर निकालना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेढक खाया हुआ था और वो भी दोस्तों एक नहीं दो दो मेढक खाया हुआ था, देख सकते हैं एक छोटा और एक बड़ा। तो दोस्तों जो भी खाया था वो बाहर निकाल चुका है। अब देर न करते हुए रतन जी इसको डब्बे के अंदर बंद करेंगे, क्योंकि जो था वो निकाल चुका बाहर। और देख सकते हैं रतन जी कितने फास्ट तरीके से उसको डब्बे में पैक कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सपोर्ट करिए दोस्तों, आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है। हम लोग आपको नए जगह पे नए रेस्क्यू के साथ मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।